तो यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डार्क साइड लेजेंड एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोग जरूर हमारे थंबनेल और टाइटल देख के जरूर समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा मैजिक क्यूब गोल्ड में कैसे ले, मतलब गोल्ड में स्पिन करके हम मैजिक क्यूब कैसे ले। आपको पता होगा कि डायमंड रॉयल में डायमंड से स्पिन करना पड़ता है, लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप उसको गोल्ड में स्पिन करके और बहुत ही आसानी से मैजिक क्यूब ले सकते हो। सिर्फ 8000 का स्पिन मारोगे और उससे आपका 2 स्पिन हो जाएगा। तो ये ट्रिक एकदम बिगिनर्स के लिए जो अभी गेम में आया उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ये जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो ज़्यादातर बंदों को पता होगा, जो प्रो बन चुके उनको तो ज़रूर पता होगा ये कैसा ट्रिक है। तो आप लोग जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ये ट्रिक जो प्रो बन चुके वो लोग यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा टॉप अप नहीं करते वो इसका तो इस बार बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारा मैजिक क्यूब सिर्फ डायमंड रॉयल में मिलता है, तो आप देख सकते हो डायमंड रॉयल में यहाँ पे मैजिक क्यूब मिलता है और सिर्फ डायमंड से स्पिन करना पड़ता है और कोई भी ऑप्शन नहीं है कि गोल्ड का। लेकिन मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे आप गोल्ड से स्पिन कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे 10 का 2 स्पिन मारूंगा, मतलब टोटल 20 स्पिन मारने वाला हूँ गोल्ड में। तो देखिए तो मैंने गोल्ड से 20 स्पिन मार दिया, तो जो प्रो है वो आप साइड हो सकते हो कि आप लोगों को पता चल गया कि मैं कौन सा ट्रिक बोलने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे से मैं ये लाल वाला टोकन कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को गोल्ड फ्री में मिलता है गेम खेलने से, तो आप लोग जब गोल्ड आप लोगों को मिल जाएगा गेम खेलने से तो आप यहाँ पे गोल्ड वाले में स्पिन कर देना और यहाँ पे जो बोनस रिवॉर्ड है वहाँ से आपका ये इफेक्ट टोकन लाल वाला इफेक्ट टोकन आप कलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिडीम सेक्शन में जाना, वहाँ पे देखिए इफेक्ट टोकन है वहाँ पे जाना, वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाना। आप नीचे देखोगे यहाँ पे देखिए एक डायमंड रॉयल वाउचर खरीदा जा सकता है सिर्फ 40 टोकन से। तो आप हर हफ्ते एक एक करके स्पिन करके 20 टोकन मिल जाएगा। और उसके सिवा भी हमारा एक्टिविटी मिशन में हर दिन 5 करके ये इफेक्ट टोकन फ्री में देता है। तो आप समझ सकते हो आपका 40 टोकन बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और आप लोग बहुत ही आसानी से हफ्ते में 2 तो वाउचर खरीद ही लोगे। अगर आपने हफ्ते में 2 वाउचर खरीद लिया और ये इस पर लिमिट है आप 20 वाउचर तक खरीद सकते हो। तो अगर आपने एक बार में 20 वाउचर खरीद लिया और 20 वाउचर से आपने अगर स्पिन किया तो आप जरूर आपके पास एक ना एक मैजिक क्यूब जरूर आ जाए, क्योंकि आपके अकाउंट में इससे पहले कभी भी मैजिक क्यूब नहीं निकला होगा। तो जब आप लोग पहली बार 20 का या फिर 10 का स्पिन मारोगे तो उस एक या फिर 2 स्पिन के अंदर ही एक ना एक मैजिक क्यूब या फिर आपका ग्रैंड प्राइज बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और इस ट्रिक को आप कब यूज़ करेंगे मैं बोलूँ तो जब डायमंड रॉयल का आखिरी डे होता है, जो भी डायमंड रॉयल आएगा उसका आखिरी डेट होता है, तो उस आखिरी डेट में आप लोग जरूर स्पिन मारना, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका चांस 80% तक हो जाएगा ग्रैंड प्राइज निकलने का और 70% तक हो जाएगा आपका मैजिक क्यूब निकलने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर, जिससे आप लोग एक मैजिक क्यूब स्क्वाड बना सकते हो, मतलब आपके स्क्वाड में हर एक बंदे के पास मैजिक क्यूब का ड्रेस होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना।